उसमें अगर मैंने आपको एक भी चीज ऐसी दिखाई जो या तो सैटरडे राइड किया कर रही है मंडे राइड किया जो मैंने कावासाकी से मंगवाए थे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शिखर द बियर्ड बैकर। भाई आजकल ऐसा हो गया है माहौल कि मंडे टू सैटरडे कोई बारिश का मतलब नामो निशान नहीं होता, अगर होती भी है तो वो होती है रात में। मौसम कभी कभार अच्छा हो जाता है लेकिन बारिश इतनी कोई खास होती नहीं है। लेकिन समझ नहीं आता, जैसे ही संडे मॉर्निंग आती है और हमारा टाइम आता है कि हम बाइक लेके रोड पे जाएं, ये बारिश कहाँ से बरस जाती है। मतलब इतना इरिटेटिंग हो गया है कि पहले हम कोरोना के वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी, अब थोड़ी सी राहत मिली है और थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखते हुए हम जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, वापस आ जाते हैं बिना किसी से कॉन्टैक्ट में आए, लेकिन अब हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने जब से बाइक ली है कुछ माहौल ना इस दुनिया का ठीक नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बाइक के साथ तो कुछ करना पड़ेगा कि कुछ दुनिया में भी अच्छा हो, मतलब बाइक के साथ भी हमें ऐसे ही कुछ अच्छे लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। दो तीन दिन जो हम गायब हुए हैं वो इस वजह से हुए थे कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों के लिए कैसे करें। मतलब एक होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन लेवल का भी ना एक लिमिट होता है कि हम वहां जब पहुंच जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार नहीं, मतलब एक आध दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी दिखाने से अच्छा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव तो दिखाऊं। अगर मैं 2 मिनट की भी वीडियो बनाता हूं उसमें अगर मैंने आपको एक भी चीज ऐसी दिखाई जो मैं यूज करता हूं, मुझे किसी चीज से बेनिफिट मिला है या मैंने सुनी है उस चीज से बेनिफिट मिलेगा या जो भी है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन करूं, और वो जब भी हो सकती है जब हमारा यार मूड अच्छा हो, नहीं तो यार गंदे मूड के साथ ना हमसे वीडियो नहीं बनती है। तो हमने कहा चल यार एक दो दिन का ब्रेक ले लेते हैं। अब उम्मीद तो यही है कि मैं दोबारा नहीं लेने वाला, दो दो दिन का बहुत होता है, कभी सैटरडे संडे दैट्स इट, और संडे को तो खैर राइड हो नहीं रही है, तो मेरे को लग रहा है हम या तो सैटरडे राइड किया कर रहे हैं या मंडे राइड किया कर रहे हैं, क्योंकि सारे दिन छुट्टी है, कोर्ट्स हमारे खुल नहीं रहे हैं, तो इट्स लाइक हॉलीडे पैकेज चल रहा है मंडे टू संडे, कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत से याद आया, जब आपकी बाइक हो जाती है गंदी तो हमें होती है बहुत सारी दिक्कत। तो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, ऑटो स्पा का मैंने ले लिया फोम वॉश, 5 लीटर की कैन है, ये मेरे को पड़ी है 1000 रुपए की, अमेजोन से ली है, आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मैंने जो लिंक्स हैं उसमें से काफी सारे अपडेट कर दिए हैं, एक बार आप भी चेक करके बताइए सारे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उम्मीद तो ये है कि चलने चाहिए, बट हमारा काम हमेशा होता ही है, हमारे लगते ही लगते हैं। दूसरी चीज, बहुत टाइम पहले मैंने एक GoPro मॉड लिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि ये शायद वाटरप्रूफ है, बट ऐसा है नहीं, ये वाटरप्रूफ नहीं था, तो मैंने इसको किया है वाटरप्रूफ। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसको पैक कर दिया क्योंकि यहाँ पे होता है माइक्रोफोन, और साइड से इधर की तरफ अगर आप पीछे देखोगे यहाँ पे इसके पोर्ट होते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 3.5 का पोर्ट ही ओपन रखा, बाकी सारे कर दिया बंद। एक बार आपको दिखाते हैं कि मैंने इसमें एग्जैक्टली किया क्या है, उसके बाद आपको मैं लेकर चलूंगा आज टेनर के पास, क्योंकि एक वीडियो पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं कुछ ये चीज लेके आया था जो मैंने कावासाकी से मंगवाए थे जो मेरे को मिल गए हैं। अब इन कैप्स का एग्जैक्टली है क्या वो मैं बताता हूं। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि टेनर में आप कौन सी लाइट लगाते हो, और अगर आपने लाइट चेंज करी है तो आपने उस लाइट को फिक्स कैसे किया है, तो वो मैं एक बार आपको आज दिखा देता हूं कि मैंने लाइट्स को टेनर में फिक्स कैसे किया है। ऑटो स्पा के बारे में हमने आपको बता दिया है, इतने आप एंजॉय कीजिए GoPro की वाटरप्रूफिंग केस बनाने की वीडियो, और हम मिलते हैं सीधा बाइक पे।
ये वाली कैप के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप इस कैप को देखोगे ना, ये पीछे से कट लगा हुआ है और इसमें लगे हुए हैं टेप, और ये जा रहा है एडॉप्टर एंड ऑल। यहाँ अगर मैं इस टेप को निकाल के दिखाऊंगा अगर आपको, तो दिस इज द कैप विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और ये देखोगे तो यहाँ लग रही है लाइट और ये कट करा हुआ है मैंने पीछे से। ओरिजिनल कैप जो आती है वो ऐसी आती है। इस कैप को मैंने, ये वाली जो कैप है, इस कैप के ये वाला बैक साइड मैंने कट किया, क्योंकि ये जो फैन है इसकी हीट नहीं निकलती है, तो मुझे लोगों ने बताया था। लेकिन हमने एक बाइक पे ट्राइड एंड टेस्टेड किया, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। तो मैं इसको अब रिप्लेस करने वाला हूँ, और ये वाली लाइट का एडाप्टर इसके अंदर आ जाएगा, बट थोड़ा सा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है इसको वापस लगाने में, क्योंकि ये जो सील पैक होता है इसमें लिमिटेड जगह होती है अंदर। तो इसको जब हम वापस लगाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट वापस ये अच्छे से लग जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो भाई अपना जो काम है वो गर्मी में इतना हो गया था, मतलब ऐसा है ना, जब बेसमेंट में आप काम करते हो ना, जो लोग भी मतलब सोसाइटी में रहते हो समझ सकते हो भाई, इतनी घुटन होती है बेसमेंट के अंदर। उसके बाद मच्छर, उसके बाद पसीने, उसके बाद मतलब वो मास्क लगा के और सांस लेने में प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा ना हेक्टिक टाइप का हो जाता है। और आज मेरे बेसमेंट में सफाई हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है, वाटर टैंक क्लीनिंग। तो हम ज्यादा इसलिए बेसमेंट में ना बोलना चलना कर नहीं पाए। तो फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं कि एग्जैक्टली मैं क्या चेंज कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया है वो है ये। अगर आप इस कैप को ध्यान से देखो, वैसे तो इस पे जूम होगा भी या नहीं पता नहीं, ये जो कैप है जिसमें से आप मुझे देखना चाह रहे हो, ये वाली कैप, ये कैप बंद होती है पीछे से, जो आप मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो इसको जब हम लगाते हैं ना, तो इसमें से हमें एडॉप्टर निकालना पड़ता है लाइट का। लेकिन दूसरी बाइक में ना हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने चेक किया कि क्या एडॉप्टर के साथ कैप लग सकती है। तो हाँ, थोड़ा सा भी नहीं, एक्चुअली बहुत मुश्किल है विद एडॉप्टर उस लाइट के कैप को बंद करना। लेकिन अगर आप सीधा सीधा एडॉप्टर की केसिंग निकाल दें, जो एडॉप्टर है वो वाटर प्रूफिंग केसिंग में ऑलरेडी अंदर होता है, उसको आप टेप कर दें, उसके बाद उस लाइट को फिक्स करेंगे, तो बहुत आराम से विद कैप वो लाइट फिक्स हो जाती है। बात करते हैं मैंने अपनी बाइक में कौन सी लाइट लगवाई है। तो मैंने लगवाई है मैक्स लिंक, ये मुझे फिलिप्स से ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि मैंने बूसा में पहले फिलिप्स डाली थी, उसकी ब्राइटनेस इतनी कुछ खास थी नहीं। उसके बाद किसी ने मुझे मैक्स लिंक का रेफरेंस दिया कि भाई एक बार ये वाली लाइट ट्राई करो, एंड ट्रस्ट मी, मैक्स लिंक MAXX लिंक, ये लाइट फिलिप्स की लाइट से ज्यादा ब्राइटनेस आपको देगी। ऐसा नहीं है कि ये मुझे फील होता है ऐसा, मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया और उन्होंने ये लाइटें लगाई हैं, सबके सब खुश हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मे बी आपके आसपास कहीं भी मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एंड यहां तक वीडियो देखिए तो लाइक तो जरूर बनता है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।